मेरा नाम परम अरोड़ा है और मैं अराउंड 57 इयर्स का हूँ और मेरा फार्मास्यूटिकल का अपना बिजनेस है। ये बात है अराउंड 85-86 की। मेरे उन दिनों मेरे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया कि तू बहुत स्ट्रेस में रहता है तो वो सिगरेट पी के देख, इससे थोड़ा सा तेरा स्ट्रेस भी कम होगा। कोशिश की ना पीऊँ झिझका, लेकिन उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट सिगरेट अपनी पी, अच्छा लगने लगा अपने आप को, एक स्टाइल सा हो गया। कभी सोचने का टाइम ही नहीं मिला कि सिगरेट छोड़नी या नहीं छोड़नी। ये मुझे रियलाइज़ हुआ था 2020 के आसपास, जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि मैं करीब 40 से 50 सिगरेट डेली, यानी कि 2 पैकेट सिगरेट की डेली की कंज्यूम करनी शुरू कर दी थी मैंने। मैं आपको बताऊं कि मेरा घर 3rd फ्लोर पर है और मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने में भी दिक्कत होने लगी थी। तो एक दिन मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि बिट्टू तेरे को सीढ़ियाँ चढ़ने में बहुत दिक्कत हो रही है, और मेरी सिस्टर ने मुझे स्मोटर टैबलेट रिकमेंड की। तो मैंने कहा छोड़ो यार, ये तो मैंने बहुत सारी ऑलरेडी निकोटिन पैचेस, च्युइंगम ट्राई किए हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता है। तो फिर एक दिन मेरी सिस्टर ने मुझे स्मोटर टैबलेट मंगवा के दी और मैंने वो 15 से 20 दिन तक ली और मेरी तलब काफ़ी कम हो गई। अच्छा, मेरा स्टेमिना भी बहुत इम्प्रूव हो गया और मैं सीढ़ियाँ भी बहुत आराम से चढ़ने लगा। मुझे 3-4 महीने लगे सिगरेट छोड़ने में, लेकिन आई एम हैप्पी एट द एंड, मैंने सिगरेट बिल्कुल अपनी लाइफ से छोड़ दी। सिगरेट ने मेरी लाइफ से बहुत कुछ ले लिया है, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट आफ्टर 35 ईयर्स आई एम नॉट अ स्मोकर एनीमोर।